हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव इस वीडियो पे बात करेंगे। शनि महाराज गोचर कर रहे हैं आपके लग्न और आपके राशि में चतुर्थ भाव में, सुख के घर में न्यायाधीश दंडाधिकारी शनि देव का गोचर। शनि महाराज 30 वर्ष के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो यदि आपकी उम्र 28 से ऊपर, 30 से ऊपर है और 60 वर्ष के बीच में है या 60 से ऊपर भी है, तो ऐसे शनिदेव निश्चित मान के चलिए कि आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, आवास, ये सारी चीज़ें देंगे। वीडियो आरंभ करें उसके पहले आपके लिए एक सूचना, काफ़ी दिन से ये चर्चा थी, लोगों का आग्रह था कि ज्योतिष सीखने सिखाने का कार्य आरंभ किया जाए, तो हमने एक नया चैनल इसी के लिए खुला हुआ है, नाम है उसका देवोलाजी आचार्य देव। तो वहाँ आप स्वतः आएँ, अपने मित्रों को ले आएँ, उस चैनल पे ज्योतिष को सरलतम तरीके से सीखा जाएगा, सिखाया जाएगा। ज्योतिष वैसे ही बहुत सरल विषय है, बस उसको अपने जीवन में ढालना शुरू कर दें तो वहाँ पे हम आपके साथ आनंद आएगा। वहाँ 7 दिसंबर से चर्चा आरंभ होगी। आज वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि महाराज 30 वर्ष के बाद वापस आ रहे हैं आपके सुख के घर में, क्या लेकर आएंगे। एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा मान के रखिए चलिए जैसे आप अपने घर से बहुत दूर नौकरी करते हैं, आप विदेश में नौकरी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, मान लीजिए आप 30 साल बाद आ रहे हैं, घर आ रहे हैं अपने घर, तो क्या करेंगे। माँ के लिए दवा, पिता के लिए वस्त्र, माँ के लिए वस्त्र, भाई बंधुओं के लिए वस्त्र लेकर आएंगे और ये प्लान करके आएंगे, इस बार चल रहा हूँ ना, घर में जो जमीन है उसमें घर बना के आऊँगा, घर की जो छत जो है ना पानी टपक रहा है उसको ठीक करके आऊँगा, घर की समस्याओं को ठीक करके आऊँगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं मुझे जाने का कब मौका मिले, क्योंकि रोज रोज मैं जा नहीं सकता। उसी तरह यहाँ पे शनि भी 30 साल बाद वापस आ रहे हैं। अब ऐसे शनि को पता है कि वो अब अगली बार जब आएंगे तब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, घर की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, इसलिए शनि महाराज आपके लिए आवास, भूमि, भवन, वाहन, आवास या गाड़ी, नौकर। अब देखिए नौकर, बड़ी गाड़ी तो आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है तभी मिलेगा, वैसे भी कुंडली में आपके शनि सस योग में चल रहे हैं, सस योग जमी से आसमां तक का सफर तय कराता है, सफलता की बुलंदियों पर चढ़ाने वाला योग होता है। आपके लग्न आपके राशि पे ज़्यादातर योग इसलिए निष्प्रभावी हो जाते हैं कि चंद्रमा से सभी योग बनते हैं और चंद्रमा से सभी योग बिगड़ जाते हैं, तो आपके कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए अच्छे अच्छे योग जो है उतना फलित नहीं हो पाते। इस समय यदि आपके कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा शुभ चल रही है, तो फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको भूमि, भवन, वाहन से नहीं रोक सकता, आपको घर मिलेगा। अब यह है कि ऊपर वाले ने देने में कोई कमी न की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है, आपकी झोली कितनी बड़ी है उसी अनुसार मिलेगा। शनि कुछ लोगों को अरबपति बना के जाएगा, कुछ को करोड़पति, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है लखपति भी ना बनाए। आपकी राशि के 65 करोड़ लोग पूरे विश्व में हैं लगभग, तो 65 के 65 करोड़ लोग खरबपति तो नहीं बनेंगे, अरबपति तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत लोग बनेंगे। बनने के पीछे कई कारण हैं, मैं उन कारणों को आपको समझाते चलता हूँ। जान लेना जो है ना मुक्ति मार्ग पर बढ़ जाना है, परमात्मा कहते हैं कि अगर आप जान लेते हो तो फिर आप करने की ठान लेते हो, इसलिए जानिए।
तो ऐसे शनि महाराज 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं और स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, स्टार्टिंग वो कर रहे हैं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में, अष्ट वसु की शक्ति लेके चलने वाला नक्षत्र, सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र, शक्तिमान नक्षत्र आप कह लीजिए। एक भीष्म पितामह संसार में सभी को पानी पिला दिए, अपराजित रहे, भगवान वृंदावन बिहारी लाल को भी उनको यत्न पूर्वक धराधाम से विदा करना पड़ा, इतनी शक्ति है। तो अष्ट वसु की शक्ति लेके यह नक्षत्र आरंभ कर रहा है, मतलब आपका शनि धनिष्ठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में आरंभ करेगा 17 जनवरी 2023। तो आप सब पे 21-22 नहीं पढ़ेंगे, 23। ये यहाँ से 14 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। देखिए नक्षत्रों को समझिए, ये अष्ट वसु या वसु अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म को क्यों जाना जाता है, भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया कि नहीं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं तो धारण करता हूं। अब उसके लिए गुरु से भी द्वंद करना पड़ा तो गुरु से भी द्वंद करेंगे। तो आप अपने प्रतिज्ञाओं पे, आप अपने नियमावली पे, आप अपने सिद्धांतों पे कायम रहिए, तब यह नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा। और यदि आप कायम नहीं रहे तो नक्षत्र सपोर्ट नहीं करेगा। सुख भाव का स्वामी सुख में गोचर करेगा, तो सुख की समस्त मूलभूत जो सुख आवश्यकताएं हैं उनको कनेक्ट करके देने की कोशिश करेगा, उनको कनेक्ट करके देगा, कोशिश नहीं करेगा देगा। यहां पे सुख कोई वस्तु का नाम नहीं है, सुख दरअसल समग्रता का विषय है। आप हेल्दी हैं तो आप सुखी हैं, आपके संतान आपके साथ है तो आपके सुखी है, आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिल रहा है तो आप सुखी हैं, आपके मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शत्रु हावी नहीं हो रहे हैं, कानूनी अड़चने नहीं आ रही, आप सुखी हैं। यहाँ पे शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो तीसरी दृष्टि आप देखेंगे तो कहाँ पड़ेगी, अब तीसरी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पे। मेष राशि पे शनि की तीसरी दृष्टि, राहु यहीं पे चल रहा होगा, राहु चल रहा है अभी, बाद में 20 फरवरी के आसपास 20 फरवरी के दिन ही राहु महाराज अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्वनी मतलब केतु का नक्षत्र। तो केतु का नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो शत्रुहंता योग क्रिएट करेंगे और शनि की जो तीसरी दृष्टि है, शनि युक्ति पूर्वक शत्रुओं का हनन करेगा, शत्रुओं का नाश कर देगा, कोर्ट में विजय प्राप्त होगी। पॉइंट पकड़िएगा, अश्वनी थोड़ी गति आपको पकड़नी होगी, अश्व जैसी गति पकड़नी होगी, लेकिन केंद्र में कौन रहेगा, केंद्र में अश्वनी कुमार रहेंगे, केंद्र में कौन रहेंगे, अश्वनी कुमार केंद्र में आपके रहेंगे, केंद्र में अश्विनी कुमार रहने चाहिए। अश्विनी कुमार कौन है, मेडिकल साइंस के माई बाप हैं, मतलब ज्ञान के तहत आपको कार्रवाई करनी है। डॉक्टर क्या करता है, जहां मन हो वहां नहीं फाड़ता, वो जहां दर्द है वहीं चीरा लगाएगा, वहीं थोड़ा सा फाड़ेगा, चीजों को निकाल के बाहर कर देगा। तो शत्रु के मुख्य बिंदु पे आपको प्रहार करना है, ठीक, कौन से द्वार पर प्रहार करेंगे तो चक्रव्यूह टूट जाएगा, ये सीखना होगा, यही चीजें ये नक्षत्र बताता है। अब यहाँ पे जब धनिष्ठा नक्षत्र में आपके शनिदेव चल रहे होंगे तो शक्ति यत्न पूर्वक बलपूर्वक आप शत्रु को पराजित करेंगे। छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का है, तो आपको यत्न पूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। आप खेल जगत में हैं तो खेल जगत में यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद जैसे शनि महाराज धीरे से मंगल के नक्षत्र को छोड़ के राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में रहकर राहु पे दृष्टि, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, ठीक है ना, सांप यत्न पूर्वक शत्रु को शत्रु से लड़ा के मार देना, क्या खुद रण में उतरना ही नहीं, शत्रु को शत्रु से लड़ा के मार देना यत्न पूर्वक, ये आपको सिखाएगा राहु। राहु दीवाल के पार देखने की क्षमता रखता है, राहु की कथा आपने सुनी है, उसको भान हो गया ये छल हो रहा है और लाइन में लग के जाके अमृत पान कर लेता है। तो
दीवाल की उस पार तक देखने की अद्भुत क्षमता सतविशा नक्षत्र में जब शनि महाराज गोचर करेंगे, मतलब 14 मार्च को गोचर करेंगे, तो आपके अंदर ये क्षमता डेवलप होगी। शनि की सातवीं दृष्टि, आज किसी ने कमेंट किया था, अच्छा कमेंट भी ना बुद्धि से पैदल टाइप लोग कर लेते हैं, बड़े अजीब अजीब कमेंट आते हैं। किसी ने कहा कि आप शनि को सुन्नी सुन्नी बोलते हो, तो भैया बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं दुनिया में, बहुत सी अच्छी चीज़ें वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर आपकी नज़र त्रुटियों पे है तो आप मिठाई की दुकान में बैठे हुए मक्खी हैं जो सिर्फ गंदगी पर नज़र रखते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपके अंदर कोई कमी निकालने पर आ जाए ना, तो इतनी कमी निकाल देगा कि आपको लगेगा आप जिंदा क्यों हो। तो सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक करिए, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो अब यहाँ पे पड़ेगी सूर्यदेव के घर पे, मतलब सिंह राशि पे, कर्म भाव पे। हरदम याद रखिएगा, जो तीन दृष्टियाँ हैं ना, तीसरी दृष्टि, आप परीक्षा दे रहे हैं, पास में बैठे हैं, अगर बगल वाला गलत फहमी में जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप हल्के से इशारा, तीसरी दृष्टि मतलब हल्का इशारा, भाई भाई बता यार क्या है, या बगल वाला सो रहा है जग जा यार, तो मतलब थोड़ा सा जागृत करते रहने की। सातवीं दृष्टि जो होती है ना, वो आमने सामने की होती है, इसको बोलते हैं पूर्णता प्रदान करना। अब ऐसे शनि महाराज अपने घर में चल रहे हैं और पिता के घर पे सातवीं दृष्टि है, और शनि चाहते हैं कि आपको भूमि भवन वाहन और सुख दें। तो अगर पुत्र घर बनाना चाहता है तो कौन पिता है जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा? आप खोजिए कोई ऐसा पिता जो पुत्र क्रियात्मक हो, पुत्र सृजनात्मक हो और पिता सपोर्ट ना करे, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर होने के बावजूद, मतलब ये आपसी इन लोगों का कथानक ये है कि आपसी पटरी नहीं खाती, ये दो तत्वों का मिलन है, तत्वों की वजह से पटरी नहीं खाती, फिर भी यहाँ पे कर्म पथ पे विस्तार होगा, क्योंकि शनिदेव आपको भूमि भवन वाहन सुख देने आ रहे हैं, तो विस्तार करेंगे। पिता से संबंध बेहतर होंगे, सरकार से संबंध आपके बेहतर बनेंगे, बड़े लोगों से या पिता तुल्य लोगों से संबंध बेहतर होंगे। ऑफिस में यहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी संबंध धीरे धीरे आपके बेहतर होते चले जाएंगे। आप जैसे नक्षत्र पे कुछ, हरदम याद रखिएगा, किसी भी ग्रह की जो शक्ति है वो दरअसल किस नक्षत्रों पे गोचर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है, नीच का होता है, तो वो एक राशि में नहीं होता, एक्चुअली इसे हमें ठीक करना होगा। फला राशि में फला ग्रह उच्च का, जैसे आपका चंद्रमा वृश्चिक में नीच का, तो चंद्रमा वृश्चिक में नीच का कब तक होता है भाई? पूरे समय नीच का नहीं होगा ना। सूर्य मेष में उच्च के तो उतने डिग्री पे ही उच्च क्यों, क्यों तुला पे उतने डिग्री पे नीच के क्यों? क्योंकि वो नक्षत्र और वो नवांसा वहाँ पे स्थितियाँ ऐसे क्रिएट कर देता है कि उच्चता और निम्नता दोनों मिलती है। यहाँ पे शनि महाराज की दशम जो दृष्टि होगी, दशम मतलब कर्म करने वाली, दशम मतलब काम कराने वाली। अब शनि की दशम दृष्टि आपके ऊपर ढैया भी चलाएगी, ढैया के लिए एक स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा, अगर यहाँ पे आपको बताया तो चीजें मिक्सचर बन जाएंगी, मजा नहीं आएगा। शनि जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे बहुत सुंदर फल लेंगे, आप प्रत्येक कार्य शक्ति से निपटाने की कोशिश करिए, निपट जाएगी। भूमि भवन वाहन में कोई अड़चन दे रहा है, दबंगई से पेश आइए। कोई आपको धमकी दे रहा है कि बनाने नहीं दूंगा, बोलो कि इतना गोली मारूंगा कि खोखा बेच के लोग अमीर हो जाएंगे, धमकी दीजिए। क्या मंगल मतलब धमक देना, मंगल मतलब साहस, तुम एक कदम फ्रंट फुट पे बैटिंग करना महाराज, बैक फुट नहीं। बॉलर कैसे बॉलिंग कर रहा है, फ्रंट फुट पे आके खेलिए, कीपर भी दो कदम पीछे, फील्डर भी दो कदम पीछे, बाल आएगी तो बाउंड्री पे जाएगी, नहीं आएगी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे शनिदेव राहु के सतविशा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सत तारका नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है ना, सतविशा और शत तारका नक्षत्र। सतविशा जो नक्षत्र है आप देखें ना, तो
योजना बना के काम करने वाला नक्षत्र है। तो आपको यहाँ पे चाहे शत्रु को पराजित करना हो, चाहे सरकार से लाभ लेना हो, या ऑफिस में काम करना हो, योजनात्मक योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। आप पहले प्लान कर लीजिए कागज पे क्या क्या कैसे करना है, उसके बाद काम करना आरंभ करिए। ध्यान दीजिएगा, शनि महाराज जून में वक्री भी होंगे। ये बड़े प्लेनेट है ना, गुरु हो गए, शनि हो गए, ये वक्री हर वर्ष होते हैं। तो वक्री होने के बाद, वक्री होने का मतलब स्लोली गति से चलना या रिटर्न होते हुए दिखाई देते हैं। तो पुरानी चीज़ों को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करना। आपके घर में पिता होते हैं या टीचर आपके जो होते हैं, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है ना, तो पुनः लेसन वन से पढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि आप लेसन वन से लेसन 30 तक 20 तक पहुंच गए हैं। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम देना है, इसलिए लेसन वन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जब बड़े ग्रह वक्री होते हैं, इसका मतलब है वो आपको तैयारी करा रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न पर होने से, अगर आपकी कुंडली में मंगल महाराज वीक है, मंगल महाराज कमजोर हैं, और शुभ ग्रहों की दशा नहीं चल रही है, तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहेगा। अगर आपके शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, मंगल मजबूत है, तो ये जो दशम दृष्टि है आपको भगाएगी, दौड़ाएगी, लेकिन आपको सोने से कुंदन बना देगी। क्या बनाएगी? सोने से कुंदन बनाएगी। मेरे हिसाब से यदि आपके वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, किसी ने इस पर भी कमेंट किया था कि आपको चंद्र लग्न और राशि पे अंतर नहीं पता है, तो आप यूट्यूब पे काम क्यों कर रहे हैं? तो आप सबको जवाब तो नहीं दिया जा सकता ना, वैसे क्योंकि आप लोगों से इतना लगाव, इसलिए मैं बता देता हूँ। लेकिन मेरा अपना एक है, नो कमेंट या इग्नोर आय नमः। आप सब भोंकने वालों को जवाब देना बेहतर नहीं होता, सीधा सीधा। तो ये आपको इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ कि देखिए, राशि जो है ना वो एक अलग पार्ट है, लग्न बेस है, लग्न आधार है। राशि हमारे जीवन में 40% प्रभाव देती है और लग्न 100% प्रभाव देता है। आपकी मेष लग्न है, वृश्चिक राशि है, ठीक है, मेष लग्न है, वृश्चिक राशि है, आप मूंगा पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे आपकी मिथुन लग्न बन जाए और आप तब मूंगा पहनिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। कन्या लगन बन जाए, वृश्चिक राशि बन जाए, लगन के अनुसार स्टोन पहन लीजिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं लग्न को प्रेफरेंस देता हूँ, लग्न को प्रधानता देता हूँ कि आप स्टोन जब भी पहने, लग्न में पहने। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो आप वीडियो बना के मेरे को बताइए, मैं आपसे सीख लूँगा। देखिए, ज्योतिष में हरदम परिवर्तन की संभावनाएँ हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ, आप मेरे को बताइए, मैं तुरंत स्वीकार कर लूँगा। तथ्य के अनुसार बताइएगा, तथ्यात्मक ढंग से समझा दीजिए, समझ लूंगा। जितना मैं समझाऊं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मन शरीर के अंदर रहता है, मन शरीर के अंदर रहता है, शरीर पूरा कैबिनेट है, और मन जो है ना उस कैबिनेट का एक मंत्री है। तो सरकार में पूरा कैबिनेट इंपॉर्टेंट होता है कि एक मंत्री इंपॉर्टेंट होता है, ये आप स्वतः विचार कर लीजिए। तो यदि आपको पता है कि आपका वृश्चिक लग्न ही है, तो आप शनि को मजबूत करिए। ढाई वर्ष में, एक्चुअली हम कहने के लिए ढाई वर्ष कह रहे हैं, लेकिन पूरे ढाई वर्ष नहीं मिल रहे हैं शनि को इस बार, क्योंकि एक बार जा चुके हैं फिर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको भूमि भवन वाहन का सुख देने वाले हैं, शनि सुख देकर जाएंगे। इसके बाद जून के बाद ये वक्री हो जाएंगे, 17 अक्टूबर को फिर ये धनिष्ठा में आ रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे से नीचे उतरेंगे, फिर इनकी गति चलती रहेगी। तो चलिए, शनि कर्म के प्रतीक है, शनि न्याय के प्रतीक है, तो 30 साल बाद शनि आपके सुख भाव में आ रहे हैं। आशा करता हूँ शनि इस बार आपके लिए आवास, भूमि भवन, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देकर जाए, आप एक बेहतर जिंदगी जिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। इसके बाद अगली चर्चा, शनि की ढैया क्या करेगी आपकी, पार लगाएगी या डुबो देगी? नैया, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।